आज के वीडियो में हम डिवाइड के सवाल सीखेंगे। डिवाइड के सवालों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वाले अंकों को देखते हैं। इसमें सबसे पहले वाला अंक है तीन। हम तीन के टेबल को पढ़ेंगे कि तीन के टेबल में तीन कितने टाइम आता है। अब देखेंगे, चलिए थ्री वन जो थ्री वन टाइम, तो हम ऊपर लिखेंगे वन थ्री वन जो थ्री, यहाँ पे एक और थ्री लिख देंगे, फिर थ्री को प्लस, थ्री में से थ्री गया जीरो है, जीरो करके फिर हम नाइन को उतारेंगे नीचे। नाइन को उतारने के बाद क्या करेंगे, नाइन को उतारने के बाद हम क्रॉस है, जो यहाँ पर क्रॉस है इसके बगल में लिखेंगे नाइन को। नाइन को लिखने के बाद हम थ्री को, थ्री के टेबल में नाइन को पढ़ेंगे कि थ्री के टेबल में नाइन कितने बार आ रहा है। चलिए गिनेंगे उंगलियों से, थ्री वन जो थ्री, थ्री टू जो सिक्स, थ्री थ्री जो नाइन, थ्री टाइम है ना, थ्री टाइम आ रहा है। तो हम ऊपर थ्री लिखेंगे, थ्री लिखने के बाद, थ्री लिखने के बाद हम यहाँ पे नाइन, नाइन के नीचे नाइन, फिर नाइन के नीचे हम लिखेंगे नाइन, नाइन नाइन में से नाइन गया जीरो है, नाइन में से नाइन गया जीरो। अब हम सिक्स को भी ऐसे ही करेंगे, फाइव फिर थ्री को भी ऐसे ही करेंगे। चलिए करते हैं सिक्स को, अब हमने नीचे उतारने के लिए सिक्स पे पहले एक एरो बनाना होगा, एरो बना दिया है। अब हम क्रॉस के सामने ऐसे इसको भी लिखेंगे सिक्स को, सिक्स को लिखने के बाद अब हम देखेंगे थ्री के टेबल में सिक्स कितने बार आ रहा है। थ्री वन जो थ्री, थ्री टू जो सिक्स, टू बार, तो हम ऊपर एक और बार टू लिख देंगे, टू टू लिखने के बाद सिक्स में से सिक्स गया, सिक्स में से सिक्स गया, सिक्स में से सिक्स गया जीरो। अब यही बात थ्री की, हम थ्री को भी नीचे उतारेंगे एरो लाके, थ्री को भी हम नीचे उतारेंगे एरो लाके, यार मैंने एरो बना चुकी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको थ्री, ये सेम वही है। अब देखेंगे थ्री के टेबल में थ्री कितने बार आ रहा है। थ्री वन जो थ्री, वन टाइम, वन टाइम, हम फिर से लिख देंगे अगेन वन, वन लिखने के बाद थ्री में से थ्री गया, थ्री में से थ्री गया, हम थ्री में से थ्री गया जीरो। हम थ्री में से थ्री गया जीरो है। एक और सवाल करेंगे, अगर अच्छी लगी तो लाइक को, वीडियो को सर लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। जय। आंसर क्या है आपका? आंसर ये आंसर है हमारा, ये आंसर है हमारा।